हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं भिंडी की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है भिंडी और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भिंडी को आप धो लें और फिर इसे कट कर लें। उसके बाद मैंने लिया है प्याज, तो एक प्याज है उसे बारीक बारीक काटा हुआ है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे भिंडी और इसे हम मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, तो दो लहसुन है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे भी मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और इन सभी को हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है और इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर, और एक पैकेट हम डालेंगे मैगी मसाला। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं भिंडी का कलर अभी भी अच्छा है और ये थोड़ा सा गल चुका है, तो इसे और थोड़ा सा हम पका लेते हैं और इसे ढकेंगे नहीं, वरना जो ढकने से क्या होता है इसका कलर जो है अलग हो जाता है, ये ग्रीन नहीं रहेगी। तो ये अच्छे से भून चुका है और ये हमारा मसाला भिंडी तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।